दोस्तों, हमारे होम अप्लायंसेस के अंदर वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोडिंग मशीन। इसके अंदर एक पीसीबी होती है जो इसको फुली कंट्रोल करती है ऑटोमेशन के प्रोग्राम को। तो कभी कभी क्या होता है, ये मशीन्स के अंदर मॉइस्चर जाने के वजह से, पानी जाने के वजह से, लॉन्ग टाइम रन होने के वजह से ये पीसीबी का कोई पार्ट जो है ख़राब हो जाता है और हमारी मशीन ऑपरेशन जो है प्रॉपर नहीं करती है। तो मेरी 5.5 केजी जो फ्रंट लोडिंग मशीन है उसका भी ड्रायर काम नहीं कर रहा था और ये ऑटोमेशन के अंदर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो मैंने कंपनी के सर्विस इंजीनियर को बुला करके इसका एस्टीमेट लिया। तो कंपनी के सर्विस इंजीनियर ने इसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा बताया, जिसमें 4 से 4.5 हज़ार रुपये का पीसीबी की कॉस्ट थी प्लस इंक्लूडिंग सर्विसिंग चार्जेस वगैरह मिला करके। अगर मैं इस पीसीबी को किसी रिपेयर कराता हूँ, पीसीबी किसी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर से, तो उसमें वो भी कम से कम 2 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, उसकी लेबर कॉस्ट वगैरह सब मिला करके, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने जो है ओल्ड मार्केट जो होते हैं वॉशिंग मशीन्स के, जहाँ वॉशिंग मशीन लोग वाग अपनी पुरानी बेच देते हैं, वहाँ से सिमिलर इसका मॉडल निकाल करके पीसीबी का मैं लेके गया और वहाँ नेगोशिएशन करके ये पीसीबी मैं एज इट जो है पूरी की पूरी ले आया उसमें से निकलवा करके। तो ये आप नेगोशिएशन करके उन वेंडर से जो पुरानी मशीनें रखते हैं और उनके स्पेयर पार्ट बेचते हैं, तो ये पीसीबी भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। और आप देखिए, मैं वहाँ से पीसीबी लेके आया और इसमें इसको डिसमेंटल करना और असेंबली करने का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे कनेक्टर वेस होते हैं पीसीबी की। जो मशीन से आप जो कनेक्टर निकालेंगे वही कनेक्टर आप उसमें फिट कर दीजिएगा, और पुरानी पीसीबी निकालने से पहले आप उसका फोटोग्राफ ले लीजिएगा कि कोई कौन सा कनेक्टर कहाँ लगा हुआ था, जिससे कि जब आप असेंबली करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने भी वही किया है, अपने पीसीबी खोलने से पहले उसका पूरा फोटोग्राफ ले लिया था और वायरिंग जब मैं कर रहा हूँ इसको रीवायरिंग, तो प्रॉपर हो जाता है। और जब आप सैंपल के तौर पे मार्केट में लेके जाते हैं, इसे पुरानी पीसीबी लेके आते हैं, तो एज इट जो है सेम मॉडल का आप लेके आइए, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने अपने मशीन्स के अंदर पीसीबी चेंज कर दिया है और अब इसका रिजल्ट जो है देखते हैं क्या निकलता है। और ये पीसीबी जो है मैं पैसे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो मार्केट में न्यू पीसीबी है और जो लेबर कॉस्ट है उससे कई कई गुना जो है सस्ती है। और अब मैंने इसमें पीसीबी जो है माउंट कर दिया और इसको जो है मैं इंस्टॉल कर दूंगा मशीन के साथ। तो जहाँ ये पीसीबी बोर्ड लगा रहता है वहाँ थोड़ा रस्टिंग वगैरह हो जाता है, वो उसको आप क्लीन कर दीजिएगा। और क्लीन करने के बाद अगर आपके पास स्प्रे पेंट और वायर या आपके पास दूसरे टाइप का पेंट है, कोई वाइट पेंट या अकॉर्डिंग टू योर वॉशिंग मशीन, तो आप इसके अंदर पेंट लगा करके जो रस्टिंग वाला एरिया है उसे आप क्लीन करके वहाँ पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीसीबी मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। जो आप स्क्रू जैसे निकालेंगे उस स्क्रू को आप वैसे ही असेंबल कर दीजिएगा। ये बेसिक नॉलेज है, अगर आपके पास आपको थोड़ा सा आपके पास घर में टूल्स हैं, आपके पास बेसिक नॉलेज है, सम इलेक्ट्रिकल सम मैकेनिकल नॉलेज, तो आप अपने घर में इस टाइप के होम अप्लायंसेस वॉशिंग मशीन्स वगैरह की कुछ सर्विस कर सकते हैं, कुछ आप रिपेयर कर सकते हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम मैकेनिक को बुलाते हैं और वो काफ़ी हाईली चार्ज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं और इसको जो है सर्विस जो है अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचते हैं।
तो ये मैंने पीसीबी विद ब्रैकेट और उसकी फ्रंट प्लेट के साथ मैं मशीन के साथ मैंने माउंट कर दिया है। अब मैं इसका टॉप कवर जो है इसका माउंटिंग कर दूंगा, टॉप कवर लगा करके इसकी पूरा फिक्स कर दूंगा इसको, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे पीसीबी को। तो देखिए मैंने खुद घर पर ही पुराना पीसीबी निकाल करके नया पीसीबी लगा दिया है, मशीन जो है असेंबल कर दिया है, और मैंने चेक किया इसमें पावर वगैरह और ऑल फंक्शंस जो है जो मेरे पहले काम नहीं कर रहे थे इस मशीन्स के अंदर, नाउ इट्स प्रॉपर वर्किंग। और इसके अंदर ये पूरे वॉशिंग रिंस एंड ड्राई पूरे फंक्शन इसके अंदर जो है आपका प्रॉपर कर रही है मेरी वॉशिंग मशीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।